अब आप भी बना सकते हैं बिल्कुल हलवाई जैसे टेस्टी गुलाब जामुन, और वो भी बहुत ही आसान विधि के साथ अपने घर पर। दिख रहे हैं ना बढ़िया। तो अगली बार जब भी आपका खाने का मन करे तो बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पर बहुत ही आसानी से मावा के बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नीलमन, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज मैं रेसिपी लेकर आई हूं गुलाब जामुन की। जी हाँ, एकदम परफेक्ट रेसिपी है जिसे आप बिल्कुल मार्केट जैसे गुलाब जामुन घर पे बना सकते हैं। तो अगर आपको भी डर लगता है घर पे गुलाब जामुन बनाने से तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी आप पूरा देखिएगा जिसे आप आसानी से बना सकें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे, उसके लिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। चीनी मैंने एक बड़ी कटोरी से मापी है, आप चाहें तो कप से माप सकते हैं। वेट में देखें तो लगभग 1/2 किलो से ज़्यादा है ये चीनी। तो 2 कटोरी चीनी ली है, तो इसमें 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ मैं। पानी आपको ज़्यादा नहीं लेना है वरना चाशनी आपकी पतली हो जाएगी। तो अब इसे गैस पे हम पकाएंगे और फ्लेम आपको मीडियम रखना है। जब तक चीनी घुले नहीं आपको इसे चलाते रहना है। चाशनी को पकाने में लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें। चीनी लगभग घुल चुकी है तो अब हम इसे चलाना बंद कर सकते हैं। अब ये पकने शुरू हो गई है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ इलायची। आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। इलायची डालने से आपके गुलाब जामुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसे भी पकने देते हैं, आप चाहें तो सर्व करने के टाइम पे इलायची को बाहर भी निकाल सकते हैं। चाशनी रेडी हो गई है या नहीं वो देखने के लिए आपको चाशनी को हाथ से टच करके देखना है। अगर वो आपकी उंगलियों में चिपक रहा है इसका मतलब चाशनी रेडी हो गई है। चाशनी आपको ज़्यादा नहीं पकानी है, यानी कोई तार नहीं चाहिए हमें। तो ये लगभग तैयार हो गई है, तो हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे मावा। मावा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म की है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। आपको ध्यान रखना है घी ज़्यादा ही लेना है, कम नहीं करेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। दोस्तों, हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे। तो दूध यहाँ पर उबलने लगा है, तो अब मैं इसमें डालूंगी लगभग 1.5 कप मिल्क पाउडर। तो इसमें मिल्क पाउडर डाल देते हैं और आपको लगातार चलाते रहना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। दोस्तों, हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो हमारा मावा देखिए यहाँ पर गाढ़ा होने लगा है और इसने साइड से पैन छोड़ना भी शुरू कर दिया है। गैस को आपको धीमा ही रखना है, नहीं तो ये तली पे लगना शुरू हो जाएगा। तो इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। इसे पकाने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हमारा मावा लगभग तैयार हो चुका है, देखिए एकदम गाढ़ा भी दिखने लगा है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और हम इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए अलग रख देंगे। दोस्तों, हमारा मावा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। आपको ध्यान रखना है बेकिंग सोडा लेना है, पाउडर नहीं। मेरा स्पून जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 1/4 टीस्पून है, इसलिए मैंने 2 बार लिया है। तो साथ में इसमें मैदा डाल देते हैं। मैदा मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। तो ये अभी गीला लग रहा है, इसका मतलब हमें इसमें मैदा और मिक्स करना पड़ेगा। तो मैं 1/2 टेबल स्पून मैदा और ऐड करूंगी। तो इसमें मैदा डाल देते हैं और अब इसे मिक्स करते हुए इसका बहुत ही सॉफ्ट आटा लगाएंगे, जिससे गुलाब जामुन भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आटा ध्यान रखना है दोस्तों, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। तो हमारा आटा रेडी हो गया है, हम चेक करने के लिए बॉल बना के देख लेते हैं। अगर बॉल हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, उसमें क्रैक्स नहीं है, इसका मतलब हमारा आटा तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। तो मैं एक छोटी सी बॉल बना के फ्राई कर लेती हूँ पहले। तो इसे फ्राई कर लेते हैं। अगर ये भी फ्राई करने के टाइम पे फट रही है, यानी उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मैदा और मिलाना पड़ेगा। ये कहीं पर भी क्रैक नहीं हो रही है, इसका मतलब एकदम परफेक्ट है। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो गई है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ
और हम बाकी के गुलाब जामुन यानी कि बॉल्स बना के रख लेंगे। आपको जैसा भी छोटा या बड़ा साइज चाहिए आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए बॉल्स हो गई है रेडी, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है तो अब हम गुलाब जामुन इसमें फ्राई करेंगे। आपको ध्यान रखना है फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखना है। तो एक एक करके गुलाब जामुन डालेंगे और धीरे धीरे से उसे चलाते रहेंगे। अगर आप तेज आंच पे सेकेंगे तो गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और इसमें गांठ रह जाएंगी, इसलिए ध्यान रखना है फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, देखिए साइज भी बड़ा हो गया है। तो हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं, कलर बहुत ही सुंदर आया है। तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे चाशनी में डाल देते हैं। ध्यान रखना है चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए और इसे लगभग 2 घंटे के लिए हम ढक के रखेंगे और 2 घंटे बाद ये रेडी हो जाएंगे सर्व करने के लिए। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं तो आइए चेक कर लेते हैं गुलाब जामुन। ये देखिए चाशनी पी के गुलाब जामुन नीचे चले गए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं इन्हें। तो मैं निकाल रही हूँ इन्हें एक बोल में, देखिए कलर और साइज बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों हलवाई जैसे परफेक्ट गुलाब जामुन खाने के लिए रेडी है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आपको एक कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी है। ये देखिए बिल्कुल भी गाढ़ नहीं है, बहुत अच्छे बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।